God, just look at this view. See. जगह उखाड़ दी, पेड़ पूरा कट दिया, पूरा गिरा हुआ, पूरा जानवर खाया हुआ चीता ने। अभी भाई इधर जब आ रहे हैं तो सेंस से एकदम ध्यान से घर जाना है। तेरे कोले आवा तेरा दिल आखदा है, छोटी कोले बैठा जेड़ा दिल आखदा। भाई हम आ चुके हैं वापस अपने भाई के साथ, भाई बंधु सारे जा रहे हैं। रहने दे, इस वीडियो में हम एक जगह नई एक्सप्लोर कर रहे हैं आज, ऐसा कुछ जगह है ठीक है। ये है मंदिर, और मंदिर का नाम है पता नहीं, नाम मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये चलने वाला रास्ता है, ये जितने भी तीन पहाड़ हैं, सिनेमैटिक हमने क्रॉस करके जाना है, इससे ऐसे 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 फिर उस पहाड़ पे हमने जाना है, उस पहाड़ के पीछे, वो जो बड़ा वाला पहाड़ है उसके पीछे जाना है, और वहां से एक मंदिर मिलेगा, वहां पे दर्शन होंगे और क्या व्यू होगा। यहाँ तक आने तक का जो सफर है ना, उसमें आपकी पीठ अकड़ जाएगी, कहाँ कहाँ दर्द होगी कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि काफी एक दो तीन घंटे का सफर है अगर आपको गाड़ी में आना है तो भी। अंतरकोला अगे पिनी पुल है ये, मैं इन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बाला सुंदरी माता जगह का नाम है। महानपुर बसोली के रास्ते पे आओगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी, और यही है। बाकी चल रहे हैं आराम से, एकदम प्यार से जाएंगे भाई, गिरना गुरना नहीं है, और यही से ये जगह जो कि है मस्त शुरू होने लग गई है। यहाँ पे बोला जाता है कि जंगली जानवर भी है, लाइक चीता वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल घना जंगल है, पहाड़ है। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। सपनू नी पता सी वे हिसाब आउणगे, सूही सूही शाम तेरे खावे आउणगे, तेरे कोले आवा तेरा दिल आखदा है, छोटी कोले बैठा जेड़ा दिल आखदा। हथा ना फड़के उतारे हुए आ, बाला च बैठे सितारे हुए आ। भाई ऐसा कुछ रास्ता शुरू हो गया है, मैं हम तो यहाँ से आए, वहां से भी था रास्ता, अब यहाँ से ऐसे रास्ते पे ट्रैक है, और ये बहुत ज्यादा ट्रैक है, कुछ 4-5 किलोमीटर सीधा ऊपर, 8 किलोमीटर शायद, तो आराम आराम से जाएंगे। मैंने चप्पल पहन ली, मैं लाया था साथ में क्योंकि मुझे पता था मैं कटरा बार बार जाता हूँ ना, तो मुझे ट्रैक की आदत होगी, मुझे पता है कि मतलब ट्रैक में क्या क्या चीज सही रहती है, कंफर्टेबल क्लोथ्स हो और लाइक चप्पल साथ में हमेशा होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पैरों वगैरह में। लेकिन सांस चढ़ गई है मेरे को भी। हम जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर, कल होली मनाई, अभी 24-25 को होली भी है, होली का व्लॉग भी अपलोड करना, मैं तब से एडिट कर रहा था, मुझे जल्दी करना था अपलोड बट मैं कर नहीं पाया। ये देखो बैठने की जगह पीछे, ये जो जगह है ना ये श्राइन बोर्ड के अंदर ही आती है, तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी है, ऐसा नहीं है जो रास्ते में छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक दुकान वगैरह भी हैं लेकिन ये अभी खुली नहीं है। ट्रैकिंग का पार्ट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, अभी से ही तो ऊपर जाके देखते हैं कितना मजा आएगा, और जंगली जानवर वगैरह भी हैं इधर, देखते हैं चलते हैं ऊपर। Let's go। सानू नहीं पता सी वे हिसाबे आणगे, सूही सूही शाम तेरे खावे आणगे, तेरे कोले आवा तेरा दिल आखदा है, छोटी कोले बैठा जेड़ा दिल आखदा। से लाया था थोड़ा सा आलू और पूरी, अब यहीं पे खा रहे हैं, तो मेरे पीछे जगह देख लो आप, क्या मस्त जगह है, यहाँ पे खाएंगे खाना। अभी तो स्टार्ट ही हुआ ट्रक, ज्यादा कुछ किया ही नहीं हमने, अभी थोड़ा सा ही चले ऊपर, पर बहुत ज्यादा मजा आया, एक रील शूट की मैंने यहाँ पे, इतनी मस्त आई हुई है, तो वो भी डालेंगे इंस्टाग्राम पे। अभी खाते हैं इसको भी, फिर निकलते हैं आगे के लिए। इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे आ रखे हैं, और यहाँ पे भी दानिश वेड्स आशिकों की निशानियां मिल जाएंगी आपको, वहां आशिक पहुंच गए हैं। तो हाँ बाय द वे कर रहे हैं अभी ट्रैक, हम थोड़ा ऊपर ऊपर आ गए हैं, सांस बहुत ज्यादा चढ़ गई है। तो हाँ इधर ये चीज एक मिलती है, ये भी मुझे बड़ी पसंद है, लेके जाऊंगा इसको गांव में, इससे मतलब कैच कैच खेलते हैं, कैच कैच नहीं गांव में इसको पेंट करके रखा है। हाँ शो पीस, नेचुरल शो पीस। भाई पेड़ कट के गिरा हुआ है बीच रास्ते में, ये देखो ये टूटा है पेड़ यहाँ से, वो दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा फ्रेश ही है, पता नहीं कैसे टूटा हुआ है, हवा चली होगी या मे बी बिजली गिरी हो, बिजली गिरी होती तो ज़्यादा होता कुछ, लेकिन आई गेस बूढ़ा हो गया था पेड़, तो ये पूरा भाई जगह उखाड़ के निकल गया है पेड़, ये ओ गॉड जी जगह उखाड़ दी, पेड़ पूरा कट के पूरा गिरा हुआ, देखो भाई जगह क्या मस्त लग रही,
अभी पता नहीं कितना ऊपर जाना है, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। वैसे बोलते हैं यहाँ पे कि चीता वगैरह लाइक फॉर रियल है, यहाँ पे 2-3 केस आए थे चीता के, तो चीते हैं यहाँ पे, जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं। इस मुद्दे में हो क्या पता चीता भी दिख जाए। मैं सबसे आगे हूँ एज यूजुअल, बैग भी पहन लिया मैंने क्योंकि घर वालों को देना सही नहीं लग रहा। सोचो किसी के साथ पर्सनल आना हो तो कितनी सही जगह है ये अकेले आना। समझ रहा हूँ मैं। नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है और गर्मी से ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। स्ट्रेट चढ़ाई है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नॉर्मल चढ़ाई है, बहुत गंदी चढ़ाई है। ये देखो सीधा ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर थोड़ा और ऊपर, मुझे टिप ऑफ द माउंटेन दिखाना है आपको, फिर मैं मंदिर जाऊंगा। भाई मंदिर भी पहाड़ के ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ने को वहां पे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। फिर मैं टिप ऑफ द माउंटेन देख लूंगा, मुझे आना था यहाँ पे। सिर्फ ओनली फॉर यू गाइस, दिस इज द टिप ऑफ द माउंटेन, वो वहां बैठने की जगह है पर मुझे बैठना नहीं है। गॉड जस्ट लुक एट दिस व्यू, ओ गॉड, भाई साहब क्या मस्त जगह है यार। सी भाई कितना मस्त लग रहा है, कितना एपिक लग रहा है यार ये सब। यार यहाँ पे रील वगैरह बनानी पड़ेंगी, पर ये देख के ऐसे लग रहा है कि हमारे पास मौका है जिंदगी जीने का, तो जितनी अच्छे से जी लो भाई, जी लो कसम से। एक दिन ऐसा आएगा ना मैच्योरिटी लेवल, यू विल नोटिस कि आपने जिंदगी में कुछ मजे नहीं किए, कुछ चीजें नहीं की हैं, तो इंसान कभी भी जिंदगी में रिग्रेट नहीं करे, ऐसी जिंदगी जीना और जो मन में आएगा वो करना जिंदगी में हमेशा। मैं यही एडवाइस दूंगा सबको, जैसे मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है तो ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं, अगर किसी को कुछ और पसंद है, सबकी थिंकिंग पे बेस्ड होती है जिंदगी, किसी को छोटी जिंदगी जीने में ही खुशी मिलती है, किसी को बड़ी जिंदगी जीने में खुशी मिलती है, तो अलग अलग सबके POV हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जो दिल में आए ना वो करो, तो जो खुशी मिलेगी ना वो अलग लेवल की होगी और कोई रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में। सुरमा बनाया उन्हें रात दा, मुरे मेरे नजरानी चक दी, बुलाते नरमिया रख दी, डूबते नू मिलते किनारे होया, सानू ता तेरे सहारे होया, नजरा दे कैसे नजारे होया, तू यो अंजा मेरी सानू नी पता सी वे हिसाबे आउणगे, सुही सुही शाम तेरे खावे आउणगे, तेरे कोले आवा तेरा दिल आखदा, थोड़ी कोले बैठा जेड़ा दिल आखदा। फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर, लेट्स गो, आ गए हैं भाई मंदिर में। अच्छा तो है शिव जी के दर्शन पहले ही, बस मेरा फोन चार्ज हो जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ लोग हैं यार यहाँ पर, नहाने की भी जगह है शायद, हाँ नहाने की भी थोड़ी सी जगह है, बैठने की काफी ज्यादा जगह है। सी हाँ, नाइस नाइस नाइस। सो यहाँ से मंदिर ये शुरू हो रहा है एंड अभी आपको दिखाता हूँ मंदिर। मंदिर मस्त है, अच्छा है, बैठने की जगह, खाने की जगह, स्टे करने की जगह, हर एक चीज है। भंडारे यहाँ पे लगे रहते हैं, आज नहीं है बट ऐसे लगे रहते हैं। आगे मंदिर में ये है कुछ मंदिर ऐसा, और व्यू यहाँ से भी बहुत मस्त है, एकदम प्यारा व्यू है, शिवलिंग भी है और काम वगैरह चल रहा है वैसे यहाँ पे, और यहाँ से दिखाते हैं आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं माता जी। ये है माता जी। सानू नी पता सी वे हिसाबे आउणगे, सुही सुही शाम तेरे खाबे आउणगे, तेरे कोले आवां तेरा दिल आखदा है, थोड़ी कोले बैठा जेड़ा दिल आखदा है। हां बोलो। हेलो भैया, बिग फैन भैया। बिग फैन किसके फैन? ये इसको जानते हो पीछे जो है? नहीं।
ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਪਾ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ।